प्रचंड गर्मी से पूरा हमीरपुर बेहाल है और तापमान दोपहर के समय 42 डिग्री तक पहुंच जाने पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रचंड गर्मी के चलते चल रही गर्म लू के थपेड़ों से स्कूल आने जाने वाले छात्रों को रोजाना परेशान होना पड़ रहा है। छात्रों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्कूलों का टाइम टेबल बदलने की गुहार लगाई है ताकि छात्रों को गर्मी से ज्यादा न जूझना पड़े। प्रचंड गर्मी से पूरा हमीरपुर बेहाल है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रचंड गर्मी के चलते चल रही गर्म लू के थपेड़ों से स्कूल आने जाने वाले छात्रों को रोजाना परेशान होना पड़ रहा है। छात्रों के अभिभावक भी प्रचंड गर्मी से खासे परेशान हैं। छात्रों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्कूलों का टाइम टेबल बदलने की गुहार लगाई है ताकि छात्रों को गर्मी में ज्यादा न जूझना पड़े। आपको बता दें कि ऊना सिरमौर जिला के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों का टाइम टेबल जिला प्रशासन ने पहले ही जारी कर दिया है। वहीं हमीरपुर जिला का तापमान हर रोज बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर सुबह 10 बजे के बाद पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। लू चलने से लोगों के चेहरे झूलने शुरू हो गए हैं। दोपहर के समय शहर व बाजार खाली नजर आ रहे हैं। लोग धूप में बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह व शाम के समय ही घर के कामकाज निपटा रहे हैं। एक तरफ सूर्यदेव की तपिश, दूसरी तरफ जंगलों की आग ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। उमस के चलते लोगों का घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो रहा है। पंखे भी गर्म हवा छोड़ रहे हैं। लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडे पेयजल का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर में लच्छे, गन्ने इत्यादि जूस की डिमांड भी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि जिला प्रशासन अभी तक स्कूलों का टाइम टेबल नहीं बदल पाया है, ऐसे में छात्रों को अभी भी गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। अभिभावकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए गर्मी को देखते हुए स्कूली टाइमिंग को बदला जाना चाहिए ताकि ननिहालों को गर्मी से बचाया जा सके। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से जोरदार मांग की है कि प्रचंड गर्मी के चलते स्कूल टाइमिंग को जल्द बदला जाए। मेरी उम्र के हिसाब से अब हमीरपुर में ज़्यादा गर्मी होने लगी है। पर्यावरण में काफ़ी फर्क आ रहा है। पानी का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो एक्यूट हो रही है और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी ये डिमांड रहेगी, या तो छोटे बच्चों को स्कूल में छुट्टियां कर दी जाए या तो फिर स्कूल का टाइम चेंज किया जाए। दो तीन दिनों से 40 से 45 के बीच चल रहा है और भारी गर्मी है। मैंने कभी ज़िंदगी में पहले ऐसी गर्मी नहीं देखी। गर्मी ज़्यादा हो गई है और टेम्परेचर जो 45 से ऊपर है, तो इसलिए स्कूल के बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके टाइमिंग चेंज होनी चाहिए। स्कूल बहुत गर्मी है और बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है। ऐसे कई सालों के बाद ऐसी गर्मी हमीरपुर में देखी जा रही है। लोगों का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। स्कूली बच्चों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, इतनी तेज़ गर्मी है। टाइमिंग जरूर चेंज होनी चाहिए, बच्चों के लिए तो चेंज होनी चाहिए कम से कम। हमीरपुर ज़िला में टेम्परेचर पिछले दो चार दिनों से 40 से ऊपर है और बच्चों का स्कूल सुबह 9 बजे से लग रहा है, 3 बजे छुट्टी हो रही है। तो प्रशासन को चाहिए कि बच्चों, छोटे बच्चों को देखते हुए ये समय सारणी में बदलाव करना चाहिए स्कूल की, और सुबह 7 बजे स्कूल लगना चाहिए और 12 बजे छुट्टी होनी चाहिए। प्रशासन को जल्द इस बारे में अपना फैसला लेना चाहिए। वहीं इस बारे में जिला शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र कुमार का कहना है कि स्कूलों में बच्चों को शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं और गर्मी से बचने के लिए स्कूलों में पंखों की व्यवस्था के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की टाइमिंग बदलने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद ही बदलने के लिए कोई कदम उठाया जा सकेगा। इसमें ऐसा है कि इस कार्यालय द्वारा सभी स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रार्थना सभा का समय जो है वो कम कर दिया जाए, बिल्कुल थोड़े समय में उसको संपन्न किया जाए, उसके बाद बच्चों को क्लासेज में भेज दिया जाए, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से कोई बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये इसके साथ साथ हर बच्चे को शुद्ध पानी उचित मात्रा में उसकी व्यवस्था करने के लिए, इसके साथ साथ स्कूलों में सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से कायम रखने के लिए हर कक्षा में समुचित पंखों की व्यवस्था जो है वो भी करने के ये निर्देश जो है हमें स्कूलों को दिए गए हैं।
ताकि बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अतिरिक्त गर्मी की वजह से बच्चों को किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या आती है, उसके लिए नज़दीक के जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से उनको पर्याप्त सुविधा जो है वो दिलवाई जाए और उनका उचित इलाज जो है वो करवाया जाए। इसके लिए ये सारे दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। कैसे है कि इस तरह की कोई मांग जो है हमारे पास नहीं आई है। अगर इस तरह की कोई मांग अध्यापकों की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से अगर आती है तो हम ये जो है जिलाधीश महोदय के पास इसको रखेंगे और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश जारी होंगे या जो फैसला लिया जाएगा वो हम सभी स्कूलों को अवगत करा देंगे।